स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIES ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 4.6.3। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव टू डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास इन क्वेश्चन नंबर F। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर G, सिंप्लीफाई। ओके, थोड़ा बस रूट को ब्रेक करना और पेयरिंग करने का ही सब इसमें रोल है। सिंप्लीफाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है √64 × 900। ओके, √64 × 900। ओके, सो देखिए मल्टीप्लाई मत कराने लग जाइएगा। 64 की अलग पेयरिंग करेंगे और 900 की अलग से पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 64 की पेयरिंग करेंगे तो 2 3 3 6 एंड 2 2 4, 2 1 2, 1 रिमाइंडर 12 हो जाएगा एंड 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। दिस इज डिविजिबल बाई 2 2 4 8, 1 10 हो जाएगा, 2 5 10 एंड 0, अगेन 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 5 10, 3 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3 3 2 6 एंड 3 5 15, 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, सो पेयरिंग करते हैं 64 की, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2, देखिए मल्टीपल फॉर्म में ही कर रहा है ना, और बीच में इसके ऑलरेडी मल्टीपल साइन था तो मैंने इसीलिए क्या किया, मल्टीप्लाई कराने से अच्छा ही सही नहीं समझा, क्योंकि ये तो खुद ही इसके जो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई साइन में नोट किए जाते हैं। तो 64 के मल्टीपल्स फॉर्म में नोट करेंगे और 900 को मल्टीपल फॉर्म में नोट करेंगे, और मिड में तो इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन ऑलरेडी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लास्ट इज 900 इज 2 × 2 2 × 2, और नीचे थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई थ्री × 5 × 5, फर्स्ट पेयर ऑफ 2, सेकंड पेयर ऑफ 2, थर्ड पेयर ऑफ 2, फोर्थ पेयर ऑफ 2। ओके, ये आपके हो जाएंगे बाहर, ठीक है। फर्स्ट पेयर 2 का, सेकंड पेयर 2 का, थर्ड पेयर ऑफ 2 एंड एक एक सिर्फ 2 बाहर आएगा, ठीक है। पेयरिंग से अगर 2 2 हैं कि पेयरिंग एक है तो एक 2 बाहर आएगा, ठीक है। और इसी टाइप से 3 एंड 5 कम्स आउट ऑफ द रूट, मल्टीपल कर लेंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 5 80, 83 240। ओके, 8 3 24 और 0 लास्ट में लगा देंगे, 240 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें 3 मल्टीपल्स हैं, और कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, मल्टीप्लाई नहीं कराते सिंप्लीफाई में, अगर मल्टीप्लाई का बीच में साइन है, प्लस माइनस होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल साइन में तो ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करें, क्योंकि मल्टीपल साइंस जो फैक्टर्स होंगे ऑलरेडी मल्टीपल साइन बीच में जो ये 2 2 2 3 3 जो भी मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या साइन मल्टीप्लाई का तो लगाया है, ठीक है। इसीलिए अब इसमें 32 का अलग वो करेंगे, ठीक है, 50 का अलग करेंगे और 81 का अलग करेंगे। सो इधर कर लेते हैं थोड़ा, ये 32 को इधर ही फाइंड कर लेते हैं, 32 इज 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, लास्ट इज 50, 2 25 5 5 एंड 5 1 0, लास्ट 81 यहाँ कर लेते हैं, 81 इज गोज टू 3 2 6, 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ओके, सो जो ये रूट में वैल्यू है इसको नोट करेंगे, 30
सॉरी 32 के फैक्टर्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 ठीक है। 52 को मल्टीपल 32 के फैक्टर्स फॉर्म में लिखा है मल्टीपल्स फॉर्म में, 50 को मल्टीपल्स फॉर्म में क्या नोट करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 × 5 × 5 और 81 को 3 × 3 × 3 × 3 ओके। सो पेयरिंग कर लें, 2 की 1 पेयरिंग, 2 पेयरिंग, 3 पेयरिंग, 5 की 1 पेयरिंग, 3 की 1 पेयरिंग, 2 पेयरिंग्स ठीक है। तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स नोट होगा, फिर 3 का पेयरिंग बाहर निकलेगी, 5 को बाद में निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 और सॉरी फर्स्ट 3 एंड सेकंड 3 एंड लास्ट 5 ओके। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, 49 × 3 = 60 ओके। आंसर हो जाएगा, आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो प्लस माइनस वाला मैंने बताया था कि प्लस और माइनस का अगर साइन होगा तो वो आपको सॉल्व करना होगा ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर फॉर्म होते हैं वो प्लस और माइनस में नहीं नोट होते हैं ठीक है, मल्टीपल में नोट होते हैं। और प्लस माइनस अगर होगा तो आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो पहला √400 − 256 है ओके, फिर डिवाइडेड बाई √400 − √256 ओके। सो 400 एंड 256 को मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी माइनस करा देंगे, सो 4 10 − 6 = 4 and 9 − 5 = 4 and 3 − 2 = 1 = 144 रूट लगा रहेगा बेटा, रूट नहीं हटेगा ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स क्या हैं, रूट के क्लोज हैं ठीक है, अंदर हैं ठीक है। और ये जो 400 का जो देखिए ये जो कम्बाइंड माइनस था दोनों में, और इसमें क्या है अलग अलग सेपरेट है, ये 400 जो रूट का अलग है फिर माइनस का साइन, और ये रूट अलग है, तो अब इसको माइनस मत करा दीजिएगा ठीक है, ये एक साथ वाले हैं ठीक है, एक ही ब्रैकेट में देखिए लाई कर रहे हैं। और इसको ऐसे ना लिख दीजिएगा कि √400 − √256 लिखा है तो सर हमने इसको एक साथ लिख दिया 400 − 256, ये क्रॉस हो जाएगा ठीक है। अलग अलग रूट अलग अलग सॉल्व होंगे और वन रूट सॉल्व होंगे। हाँ अगर √2 × √3 लिखा है तो ये एक साथ रूट में हो जाएंगे, √2 × √3 मल्टीपल में एक साथ रूट में हो जाएंगे ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं होंगे ओके। सो 400 का फैक्टर कर लेंगे, बहुत थोड़ा गुचर पुचर हो गई है क्योंकि फैक्टर्स भी साथ में करके चलने हैं। सो √144 सारा पहले ऐसे नोट कर लीजिए, 400 − √256 ओके। सो सबसे पहले 144 के फैक्टर करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 = 8, 2 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = ओके। और डिनोमिनेटर में 400 है, एक साथ पहले कर लेते फिर नोट कर लेंगे ठीक है। 2 से जाएगा 200, फिर 2 अगेन 200, 250, 225, 5 × 5 = 5, 1 = ओके। लास्ट में 256 है, 256, सो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 रिमाइंडर होके ऐड हो जाएगा 16, 2 × 8 = 16, अगेन 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 16 = 2, 8 × 2 = 4, 2 × 2 = and last 2 × 1 = ओके। सो क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा, √144 upon √400 − √256 ओके। सो जो पेयरिंग है फैक्टर्स की हैं उसको नोट कर लेंगे, 144 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अपॉन √400 को ब्रेक करेंगे, 1, 2, 3, 4 को 2 की 4 पेयरिंग्स हैं एंड 5 की 1 पेयरिंग, माइनस
256 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सो जो रूट्स हैं उसमें पेयरिंग करेंगे 1 का 2, सो सबसे पहले फर्स्ट 2 बाहर आएगा, फिर सेकंड 2 भी बाहर होगा न्यूमरेटर से, और लास्ट में 3 की पेयरिंग बाहर होगी, ठीक है। फिर अपॉन का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर की फर्स्ट पेयरिंग में 2 बाहर होगा, फिर सेकंड पेयरिंग भी 2 से बाहर होगा, और फिर 5 की पेयरिंग बाहर होगी मल्टीपल फॉर्म में। और फिर किसका साइन है, माइनस का, वैसे माइनस का साइन लगाया, कितनी पेयरिंग 2 की बनेंगी, 4, सो 4 × 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीपल मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 × 4 = 3 = 12 अपॉन 2 × 4 = 5 = 20 माइनस 2 × 4 = 4 = 16 ओके। सो आंसर हो जाएगा 12/4, सो 3, 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया, 11 मिनट्स क्रॉस हो चुका है। सो बाय, टेक केयर।